बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जी बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग जो मेरे चैनल को इतना पसंद करते हैं, रेसिपीज़ को फॉलो करते हैं। तो चलिए आज मैं आप लोगों के साथ जो है चिकन चाउमीन की रेसिपी शेयर करूँगी। जी तो चिकन चाउमीन बनाने के लिए जो हमें इंग्रेडिएंट्स चाहिए होंगे वो आप नोट कर लीजिए। इंग्रेडिएंट्स बताने से पहले अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल नोटिफिकेशन को जो है प्रेस करना मत भूलिएगा, वरना जो है आपको मेरी इस तरीके की न्यू वीडियोस नहीं मिलेंगी। जब तक आप उस नोटिफिकेशन जो उस बेल आइकन को जो प्रेस नहीं करेंगे तो आपको जो है मेरी न्यू वीडियोस नहीं मिलेंगी। तो जल्दी से उस बेल आइकन को प्रेस कर दें और मुझे बताइएगा ज़रूर कि आपको मेरी जो ये रेसिपी है कैसी लगी। तो आखिर तक इस रेसिपी को ज़रूर वॉच कीजिएगा। तो चलिए हम अपने इंग्रेडिएंट्स की तरफ चलते हैं कि हमें उस चाउमीन बनाने के लिए क्या क्या चाहिए होगा। तो चिकन चाउमीन बनाने के लिए पहले तो ये देखें, सब्जियां मैंने ले ली हैं। सब्जियों में मैंने गाजर ले लिया है, गाजर दो गाजर हैं, इनको मैंने अच्छे पानी से लंबे शेप में जो है काट लिया है। और ये है शिमला मिर्च, ये भी दो हैं, इनको भी मैंने बारीक बारीक काट लिया है। और ये है हरी प्याज, इसे भी मैंने बारीक बारीक काट लिया है। और ये है टमाटर, ठीक है। और अब हमें थोड़ी सी चिकन चाहिएगी, तो चिकन को जो है मैंने बोनलेस चिकन को बॉइल कर दिए के रेशा कर लिया है। और ये जो है हम इसे बिगाड़ने यूज़ करेंगे, थोड़े से कड़ी पत्ते, ब्राउन रेड चिली और थोड़ा सा जीरा। और ये जो है मैंने नूडल्स को बॉईल कर लिया है नमक डालकर। तो चलिए हम अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जी बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग जो मेरे चैनल को इतना पसंद करते हैं, रेसिपीज़ को फॉलो करते हैं। तो चलिए आज मैं आप लोगों के साथ जो है चिकन चाउमीन की रेसिपी शेयर करूँगी। जी तो चिकन चाउमीन बनाने के लिए जो हमें इंग्रेडिएंट्स चाहिए होंगे वो आप नोट कर लीजिए। इंग्रेडिएंट्स बताने से पहले अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल नोटिफिकेशन को जो है प्रेस करना मत भूलिएगा, वरना जो है आपको मेरी इस तरीके की न्यू वीडियोज़ नहीं मिलेंगी। जब तक आप उस नोटिफिकेशन जो उस बेल आइकन को जो प्रेस नहीं करेंगे तो आपको जो है मेरी न्यू वीडियोस नहीं मिलेंगी। तो जल्दी से उस बेल आइकन को प्रेस कर दें और मुझे बताइएगा ज़रूर कि आपको मेरी जो ये रेसिपी है कैसी लगी। तो आखिर तक इस रेसिपी को ज़रूर वॉच कीजिएगा। तो चलिए हम अपने इंग्रेडिएंट्स की तरफ चलते हैं कि हमें उस चाउमीन बनाने के लिए क्या क्या चाहिए होगा। तो चिकन चाउमीन बनाने के लिए पहले तो ये देखें, सब्जियाँ मैंने ले ली हैं। सब्जियों में मैंने गाजर ले लिया है, गाजर दो गाजर हैं, इनको मैंने अच्छे पानी से लंबे शेप में जो है काट लिया है। और ये है शिमला मिर्च, ये भी दो हैं, इनको भी मैंने बारीक बारीक काट लिया है। और ये है हरी प्याज, इसे भी मैंने बारीक बारीक काट लिया है। और ये है टमाटर, ठीक है। और अब हमें थोड़ी सी चिकन चाहिएगी, तो चिकन को जो है मैंने बोनलेस चिकन को बॉइल कर दिए के रेशा कर लिया है। और ये जो है हम इसे बिगाड़ने यूज़ करेंगे, थोड़े से कड़ी पत्ते, ब्राउन रेड चिली और थोड़ा सा जीरा। और ये जो है मैंने नूडल्स को बॉइल कर लिया है नमक डालकर। तो चलिए हम अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। जी तो मैंने पैन को गर्म करने के लिए रख दिया था और इसमें मैंने जो है 2 टेबल स्पून ऑयल ऐड कर दिया है। अब जो है हम इसमें अपने ब्राउन मिर्चें, थोड़े से कड़ी पत्ते और ज़ीरा जो है ऐड करके इसे हम 2 से 3 मिनट के लिए जो है फ्राई करेंगे हल्का सा, खुशबू निकलने का। जी तो अब जो है मैं इसमें गाजर ऐड करूंगी, थोड़ा
गाजर को हम हल्के से फ्राई कर लेंगे। दो से तीन मिनट तक हम इसे हल्का सा फ्राई करेंगे। जी हमने दो से तीन मिनट गाजर को फ्राई कर लिया है। अब जो है हम इसमें शिमला मिर्च को ऐड करेंगे और शिमला मिर्च भी जो है हम दो से तीन मिनट इसे हल्के से फ्राई करेंगे। जी तो अब जो है अब शिमला मिर्च को भी हमने हल्के से फ्राई कर लिया है। अब हम इसमें हरी प्याज और टमाटर को ऐड कर देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। और इसे जो है हम हल्का सा सॉफ्ट होने तक पकाएंगे। ऐड करेंगे और दो से तीन मिनट के लिए इसको जो है हम अच्छे से पकाएंगे। मधुर का पेस्ट ऐड करेंगे। हाफ टेबल स्पून रेड चिली पाउडर वन फोर टू टेबल स्पून थोड़ी सी कुटी हुई मिर्च वन टेबल स्पून चिली सॉस वन टेबल स्पून सोया सॉस नमक जितना आपने इस्तेमाल करना हो उतना आप ऐड कर सकते हैं। और मैं हाफ टेबल स्पून चाइनीज सॉल्ट ऐड करूँगी। अब जो है इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जी हमारा जो चाउमीन है वो रेडी है तो चलिए हम जो है इसे डिश आउट करते हैं। जी तो देख सकते हैं आप हमारा जो चाउमीन है वो रेडी है। बहुत ही मज़े का लग रहा है तो आप भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी ये जो रेसिपी है कैसी लगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे न्यू वीडियो में न्यू रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।